आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 29वें वार्षिकोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व एवं संगीत में श्री राम कथा को विश्राम दिया गया। प्रसिद्ध कथावाचक संदीप आर्य ने राम कथा में बताया कि भगवान राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों ने गुरुकुल में शिक्षा पाकर ही मानव को सुंदर संदेश दिया है और सही जीवन जीने की कला बताई। इसलिए आज हम सबको गुरुकुलों में अवश्य जाना चाहिए और अपनी संस्कृति को देखना चाहिए। इस दौरान आर्य समाज के मंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया और समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, अक्षय, पवन शर्मा, चौधरी हरिचंद, शारदा रानी, रश्मि मदान, सुरेंद्र अरोड़ा, जसविंदर कालिया, तरुण, भूपेंद्र उपाध्याय, नलनी उपाध्याय, संदीप अरोड़ा, आर्य संगीता, शादीलाल, वेद कुमार भाटिया, विजय भाटिया, पंकज सरपाल, यशपाल, राजेंद्र हांडा, जगदीश भाटिया, सतीश कुमार, अनिल कोहली, प्रवीण लखनपाल, कनु आर्य, गौरव आर्य, अनिल खेड़ा, कुणाल खेड़ा, सुभाष शर्मा, हजारी शर्मा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हो जाते हैं या फिर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें निर्दोष बोलो साबित करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं। बैंक के अंदर जब एक व्यक्ति लोन लेने के लिए गया, हर्ष जी, लोन लेने, गरीब व्यक्ति चला गया, बोले जी मेरी बेटी की शादी है मैनेजर साहब और आप मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दो। तो प्यारे सजनों, 5 लाख रुपए का लोन जब मैनेजर साहब ने उस गरीब व्यक्ति को दिया तो वो गरीब व्यक्ति मैनेजर साहब का धन्यवाद करते हुए और पैसे हाथ में लेते हुए एक बात कहता है। क्या कहता है कि मैनेजर साहब, मैं आपका ये ऋण जीवन में कभी चुका नहीं पाऊंगा। बात समझ में आई? क्या कहा? 5 लाख रुपए लेकर के वो गरीब व्यक्ति कहता है लोन लेकर के कि मैं आपका ये ऋण जीवन में चुका नहीं पाऊंगा। मैनेजर ने उसकी गर्दन पकड़ करके 5 लाख रुपए ले लिए। बोले कमाल करता है, 5 लाख रुपए लोन ले रहा है और ऊपर से कह रहा है कि मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं पाऊंगा। भाई ये कौन सी बात है? अरे वो तो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा एहसान बोलो चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन मैनेजर साहब कुछ और ही समझ बैठे हैं। कई बार हम सही होते हुए भी गलत साबित बोलो हो जाते हैं। अरे यही तो हो रहा है आज भरत के साथ में। भरत है, अरे भैया राम को लेने के लिए जा रहे हैं लेकिन निषाद राज सोच रहे हैं कि तो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। कि ऐसी मनकंपा है कि हमारा जो 7 दिवसीय कार्यक्रम का जो हमारा आर्य समाज का महासम्मेलन प्रातः यज्ञ का कार्यक्रम और रात्रि के कार्यक्रम हमने संगीत में राम कथा का आयोजन किया रखा। आज उस कार्यक्रम रात्रि की जो सभा है उसका समापन की ओर है। पहले तो मैं संदीप आर्य जी का इस आर्य समाज की तरफ से, खास करके विशेषकर जितने भी भगत सिंह नगर निवासियों की ओर से आपका मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तालियों के साथ पहले इनका अभिनंदन।